अखिलेश भाई जी टेस्ट तो सही में बढ़िया है। शिमला शिमला देवी और सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। प्रीव्यू देख के आप समझ गए होंगे कि मैं दिखाने वाला हूँ आज आपको वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस ऑन माय चैनल। आज है 18th of October, फिलहाल मैं हूँ प्रागपुर में। ये है इंडिया का फर्स्ट हेरिटेज विलेज। टेम्परेचर देख सकते हैं 18 डिग्रीज हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है। और आज हम प्रागपुर से जाने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। क्या रीजन था ये वीडियो बनाने का? दो रीजन था। सबसे पहले तो ये एक बहुत सुपरफास्ट रूट है, तो इसमें जो ड्राइविंग हुआ वो देख के आपको एकदम मजा ही आ जाएगा। दूसरा, जिस बस में हम जाएंगे वो बस इतनी सजी हुई है ना कि मतलब आपने इतना डेकोरेटेड बस आज तक नहीं देखा होगा। और बस के स्टाफ ने ना इतना ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि प्रागपुर है बहुत छोटा सा गांव, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो उन्होंने जो है मेरे को होम स्टे ढूंढ के दिया, उन्होंने जो है प्राइस वाइज एकदम सेट कराया। तो मैं रुका हुआ था इस वाले होम स्टे में, बस स्टैंड के थोड़ा सा ही नज़दीक है। और यहाँ पे कल रात को मैं आया था 8:30-9 बजे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब खाने के सब दुकान बंद हो गए थे, होटल बंद हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो है अंधेरा है, हार्डली कुछ दिख रहा होगा। उसमें जो है स्टाफ ने यहाँ पे होम स्टे पे रोका, बोला कि ये होम स्टे, और अंदर जो अंकल थे उन्होंने ब्रेड ऑमलेट बना के दिया, क्योंकि कुछ भी और अवेलेबल नहीं था। फिलहाल चलते हैं ऊपर, जस्ट वहीं पे ऊपर बस स्टैंड है, वहीं पे ऊपर बस स्टैंड है, वहाँ जाता हूँ। फिलहाल तो अंधेरा है, फिलहाल आपको बस दिखाना अच्छे से पॉसिबल नहीं है, पर जैसे ही अपन हमीरपुर पहुंचते हैं मैं आपको दूंगा बस का फुल टूर, भले वो इंटीरियर हो या हो एक्सटीरियर। आज का वैसे अपना सफर 200 किलोमीटर का रहने वाला है। रूट में बता देता हूँ, प्रागपुर से निकलने के बाद नदौन हमीरपुर, फिर आएगा आपका बिलासपुर डालाघाट, और आगे जाके ISBT शिमला। टोटल टाइम जो आज अपन लेने वाले हैं वो है कुछ 7 घंटे के आसपास, बट इतना मैं अश्योर कर सकता हूँ कि राइड में आपको मजा आएगा। जो भी ड्राइविंग के सीन्स में आपको दिखाऊंगा उसमें आपको भरपूर मजा आएगा। इस वीडियो में आपके लिए होगा जबरदस्त एंटरटेनमेंट। जर्नी को शुरू करते हैं, यहाँ पे देखिए बस खड़ी है हमारी। फिलहाल बस में चलते हैं, बस का टूर मैंने आपको बताया, बाद में दे दूंगा। टिकट का कॉस्ट है 452 रुपीज़ फ्रॉम प्रागपुर टू शिमला। अभी थोड़ा अंधेरा है तो अभी थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो को चलाते हैं, सीधा मिलते हैं नदौन पे। पहुंच गए हैं नदौन। नदौन का बस स्टैंड वो रहा, और हमने लिया एक छोटा सा चाय ब्रेक, चाय पीते हैं थोड़ा सा और जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आज के जो भी हमारे स्टाफ है उनसे मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलाता हूं। हूँ
यहाँ पे आ गई हमारी सुबह की बढ़िया वाली चाय। चाय जो है काफी बढ़िया है और यहाँ पे देख सकते हैं इंद्रपाल की जो है एक मूर्ति बनी हुई है। कंटिन्यू करते जर्नी, बस उम्मीद करते हैं कि सनराइज जल्दी हो जाए ताकि मैं आपको दिन के उजाले में थोड़ा और अच्छे व्यूज दे पाऊँ। एक तरफ तो सनराइज हो रहा है, दूसरी ओर हम भजन सुनते सुनते हवा से बातें कर रहे हैं। हमीरपुर एंटर होने से पहले हमको लेफ्ट में दिखता है होटल हमीर, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार का एक होटल है, जहाँ पे आप इस रूट में जर्नी करने के दौरान नाइट हॉल्ट ले सकते हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, हमीरपुर में आपका स्वागत है और मुझे ठंड बहुत लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कल जो है मुझे सर्दी या जुकाम कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बस हमारी अभी रिफ्यूलिंग करवा रही है। एक बार मैं आपको बस के पूरे एक्सटीरियर दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर फास्ट, जो कि सच में है। बस जो है वो हमीरपुर डिपो की, और पीछे भी देख सकते हैं अच्छे से पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे भैया लिखा हुआ है HRTC, यानी हिमाचल पथ परिवहन निगम, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और यहाँ पे भी HRTC का लोगो और बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है HRTC। बाकी जो मेन डेकोरेशन है वो आप सामने देख सकते हैं। बस का नंबर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 4877। और बस का रूट बोर्ड देखिए आप, प्रागपुर, हमीरपुर, शिमला, ये भी जो है पूरा जो ऊपर देख रहे हैं रेडियम वेडियम लगा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है नॉन स्टॉप। बाकी रूट बोर्ड चल रहा है, रूट बोर्ड फिलहाल हमीरपुर से शिमला का ही है, क्योंकि ये बस पहले हमीरपुर से शिमला चलती थी, बाद में इसको प्रागपुर तक एक्सटेंड किया। और सामने से देख सकते हैं यार, अच्छा बहुत लग रहा है, यहाँ पे सब डेकोरेशंस लगे हैं। और बस के अंदर भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे भी लाइट थोड़ी सी कम है। देखिए ये जो सब पर्दे वर्दे हैं ना, ये सब चंडीगढ़ से लगवाए हमारे ड्राइवर साहब बली भाई ने खुद ने। हमीरपुर का बस स्टैंड देख लीजिए, कुछ ऐसा है। और हमीरपुर की बात करें, यहाँ पे NIT हमीरपुर है, फिर यहाँ पे हमीर उत्सव मनाया जाता है, इसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया। हमीर उत्सव होता है नवम्बर के फर्स्ट वीक में, मतलब जस्ट आने वाला ही है। उसमें बेसिकली हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो यूजुअली सेलिब्रेट करते हैं, और बाहर से भी लोग आते हैं वो फेस्टिवल देखने। बाकी अभी थोड़ी देर में हमको अखिलेश भाई ज्वाइन करेंगे, घुमारविंस वो ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले उनको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो भी मेरी सीट के अरेंजमेंट से या स्टाफ से बात है सब जो है उन्होंने करवाए, मतलब वो अगर नहीं होता तो मैं शायद ये वीडियो आज नहीं बना पा रहा होता। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत मदद करते हैं यार वो। उनका चैनल है ड्रीम बसेस करके, थोड़े वीडियोस वगैरह बनाते हैं हिमाचल पंजाब इन सब की, शॉर्ट्स वॉर्ट्स डालते हैं, ड्रीम बसेस चेक करना यूट्यूब पे। तो सबसे जो है मिलवाएंगे, बस अभी यहाँ से निकलते हैं, कंटिन्यू करते जर्नी। और आज मेरे साथ ट्रैवल कर रहे, एक्चुअली कल शाम को ही मेरे को मिले थे हमीरपुर में, ये समीर भाई है जो ड्राइवर साहब है, उनके बेटे हैं और चला रहे। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? तो चलते हैं, निकलते हैं फ्रॉम हमीरपुर। एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी, ऊपर लिखा हुआ है डिजिटल ISBT हमीरपुर, और वो जियो का है, तो यहाँ पे जियो नेट का जो है फ्री वाईफाई मिलता है आपको। और टाइम हो रहा है 6:50।
सुबह के करीब 7:15 बजे गाइस हम पहुंच गए हैं भोटा लेफ्ट की, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, और भोटा से रोड निकल जाता है आपका बड़सर होके ऊना के लिए अगर हम जाएंगे सीधा कुमारविंग की तरफ। से घुमारविंद तक रोड काफी सीधा है, और इस रोड पे जो है ग्रेडियंट बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारी बस ने काफी अच्छी रफ्तार पकड़ रखी है। शिमला शिमला क्रॉस कर चुके हैं कुमारविंद, हमारे अखिलेश भाई भी बस में आ गए हैं, और कुछ ही देर में पहुंचेंगे बिलासपुर। बिलासपुर में जो है अपन ब्रेकफास्ट का हॉल्ट लेंगे, और हमने देखा कुमारविंद से पहले जो है फॉग वॉग आ रखा था, तो मजा आ रहा था। इस विंटर ट्राई करते हैं आपको फॉग और स्नोफॉल में जर्नी दिखाने का। अभी अपन क्रॉस करेगा इस कंदरौन ब्रिज, सतलज रिवर के ऊपर बना ये ब्रिज एक टाइम पे एशिया की हाईएस्ट ब्रिज हुआ करती थी, अभी फिलहाल वो रिकॉर्ड चीचम ब्रिज के पास है। तो गाइस फिलहाल अपन बिलासपुर के पास एक पुल पे रुके हैं, और मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं गोविंद सागर लेक, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है। और हमारी यहाँ पे बस रुकी है, बस एक मिनट के लिए रुकवाइए फ़ोटो के लिए, और क्या नज़ारा है यार। थैंक यू जी। तो इस तरफ अपन जाएंगे टुवर्ड बिलासपुर, और ये रोड चला गया आपका मनाली की ओर। यहाँ से कितने बजे का टाइम है? 8:40 जब 22 काफ़ी फास्ट आ रहा है। फिलहाल गाइस पहुँच गए बिलासपुर, बिलासपुर का बस स्टैंड एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहीं पे अपन अभी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते, क्योंकि आगे बोल रहे कि गाड़ी जो है नहीं रुकेगी, और एक्सपेक्ट करेगी सुबह 11:30 बजे तक अपन पहुंच जाए शिमला। ये रही HRTC की इलेक्ट्रिक बस हिम तरंग, इस पर मैंने वीडियो बनाया था यार एक छोटा सा। और ये देखिए, ये है बिलासपुर से एम्स तक। एम्स जो है एकदम नया मेडिकल कॉलेज बना है, एम्स का आपको पता ही है क्या कंपटीशन है एम्स में सीट के लिए, और एम्स नया बना है बिलासपुर, बहुत ही खूबसूरत है। रिसेंटली इनॉग्रेट हुई है, शायद 5 अक्टूबर को PM नरेंद्र मोदी जी ने आके किया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँ क्योंकि उसी के साइड से अपन जाएंगे। और यार कॉलेज के हिसाब से लोकेशन ना बहुत अच्छा है। तो अभी जस्ट बस स्टैंड के सामने, वो देखिए बस स्टैंड के जस्ट सामने यहाँ पे एक दुकान से अपन छोले भटूरे खा रहे हैं, और कुछ ऑप्शन मिला नहीं। और अखिलेश भाई बोल रहे हैं कि ये दुकान सुबह 6-7 बजे से चलती है, सुबह 10 बजे तक सब कुछ जो है ख़त्म, तो काफ़ी बोल रहे हैं कि फेमस दुकान है। और यहाँ पे हमने लिया छोले भटूरे, यहाँ पे देखिए लाइव चल रहा है, और यहाँ पे खा रहे हैं। तो अखिलेश भाई जी, टेस्ट तो सही में बढ़िया है। Thank you.
अपन फिलहाल पहुंच गए हैं कोटीपुरा। यहाँ पे है बिलासपुर का एम्स। ये जो है एक कंबाइंड है बेसिकली हॉस्पिटल प्लस मेडिकल कॉलेज, और एम्स मैंने बताया रिसेंटली इनॉग्रेट हुए। गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब एकदम पहाड़ों के जो है चोटी पे। यहाँ पे आप पढ़ाई वगैरह करेंगे ना तो यार सेम है, आपको स्टूडेंट लाइफ में तो मज़ा आएगा। और देखिए एम्स का गेट है। पहुंच गए हैं डालडा घाट। ये जो है सीमेंट के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए अंबुजा सीमेंट का जो फैक्ट्री है वहाँ जाने का रास्ता है, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। और अंबुजा के अलावा भी दो और सीमेंट कंपनीज है। तो सीमेंट बेसिकली बनता कैसे वो मैं फिर पता लगा रहा था, मगर इतना है कि पहाड़ों से जो है कुछ मटेरियल लेके बनता है, तो इसलिए जो है सीमेंट फैक्ट्री एकदम पहाड़ के ऊपर रहती है। यहीं पे मैंने देखा। बाकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रक वर्क पता नहीं क्यों इस टाइम रहती है, तो इसलिए जो है थोड़ा टाइम अपना ख़राब हो रहा है। इस वक्त अपन पहुंच गए हैं कराला घाट। लेफ्ट में आप देख सकते हैं कराला बाबा टेम्पल, और अपन फिलहाल है नेशनल हाईवे 205 पे, जो कि शिमला से निकल के डाला घाट, कोटीपुरा, स्वर घाट, किरतपुर होके खड़ग तक जाती है, और यहाँ से शिमला कुछ 40 किलोमीटर दूर है।
राजधानी शिमला में आपका स्वागत है। टाइम हो रहा है इस वक्त 11:40। एक्चुअली हमारी बस 11:15 के आसपास शिमला पहुंच गई थी, मगर थोड़ा सा क्या आते वक्त ट्रैफिक मिला, रोड वोड का काम चल रहा है, इसलिए जो है टाइम लग गया। टेम्परेचर हो रहा है 18 डिग्रीज, तो हिल स्टेशन पे है, पूरा फीलिंग आ रहा है। और जर्नी में यार काफी मजा आया, स्पेशली इतनी खूबसूरत बस पे अंदर से इतनी ज्यादा डेकोरेटेड। एक बार मैं आपको आज के क्रू से मिलवा देता हूँ। तो ये है बली भाई, आज के हमारे ड्राइवर, और कंडक्टर साहब का क्या नाम है? दिनेश कुमार। दिनेश जी, तो आप कितने साल से चला रहे हैं गाड़ी? मैं 7-8 साल हो गया। 7-8 साल, और इतना क्यों सजाया? मतलब क्या अच्छा लगता है? गाड़ी शौक है? शौक है। बहुत अच्छा है कि आपने इतना सजाया, मतलब अच्छा लगता है बैठने में भी, जब सवारी बैठती है तो वो भी अच्छा लगता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यही है, हाई कर दो, आप भी कर दो आप भी कर दो हाई। तो बस यही था आज का व्लॉग। स्पेशली अच्छा लगता है कि जब ड्राइवर अपनी ओर से इतना मेहनत करता है, वो काफ़ी डेडिकेटेड है अपने काम को लेके, एकदम ध्यान से जो है चलाते हैं। और बाकी उन्होंने अपनी ओर से करा, चंडीगढ़ जा जाके सामान लिया, फिर जो है खुद सजाया उसको। ऑब्वियसली इट गिव्स अ स्पेशल फीलिंग, बस बाहर से भी अच्छी दिखती है, इवन अंदर से भी। ये सब कोई मतलब सरकार की ओर से नहीं होता कि उन्होंने जो है इतना सजाया, ये सब काम ड्राइवर खुद करता है, तो अच्छा लगता है। इवन कुछ और भी बहुत खूबसूरत बसें हैं जिनमें मैं आपको फ्यूचर में जर्नी दिखाऊंगा। अभी के लिए आपको करना है कि आपको मुझे कमेंट करके बताने कि आपको कौन से रूट पे व्लॉग देखना है। मिलते किसी और व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें, तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।